5,000 कहीं 2,000 कहीं 10,000 और वो जब तक इंडिया में पूरे तरीके से जिस तरह से आर्टिस्ट का रिस्पेक्ट फॉरेन में इंडिया में नहीं आएगा तब तक वो बैटल चलती रहे। ये कोई बहुत बड़ा दिन नहीं है आज के लिए, देखा जाए तो कुछ ठीक है कुछ हल्का फुल्का हो गया, इसको बड़ा दिन नहीं मिल सकता। तो क्या चेंज चाहते हैं आप अपने से, क्या चेंज चाहते हैं? नहीं, चेंज ये चाहते हैं कि जिस तरह से बेनिफिट एक गाना हिट किसी राइटर का किसी कंपोजर का होता है, अब ऐसी तो उसकी कैपेसिटी होती नहीं कि सारी जिंदगी हिट देता है। जब एक गाना उसका हिट होता है तो वो एटलीस्ट जिस तरह से म्यूजिक कंपनीज को फायदा बेनिफिट सारी लाइफ होता है। आज गानों के रीमिक्स बनते हैं, कवर वर्जन बन रहे हैं, तमाम नई नई चीजें हो रही हैं, लेकिन जो ओरिजिनल राइटर कंपोजर है वो बेचारा सफर कर रहा है, कहीं मीरा रोड में रह रहा है, और जो उनको रीमिक्स कर रहे हैं वो अंधेरी में रह रहे हैं, बड़े बड़े टावर में रह रहे हैं। तो ये डिफरेंस होना चाहिए, क्रिएट जो क्रिएट कर रहा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, उसका सबसे ज्यादा राइट। थैंक यू। क्या करेंगे मेरी, देखिए सर कुछ हालात, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज पहली बार मतलब मेरे मेहनत का मुझे कुछ मिल रहा है, वरना लोग तो आज फिल्म में बहुत हुए, लेकिन मैं जावेद अख्तर साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने एक कदम उठाया जिसकी वजह से हम जैसे मजबूर राइटर और म्यूजिक राइटरों को सपोर्ट मिल रहा है, जिससे कम से कम हम लोग का बेसिक स्ट्रगल पीरियड का जो खर्चा है वो निकल जाता है, ताकि हम लोग को कहीं जाना, क्योंकि हम लोग के फिल्म में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, और उन लोगों के लिए ये हिम्मत का काम है कि बेचारे वो टिक सकेंगे बॉम्बे, वरना इसके सहारे एक उम्मीद रहेगी कि चलो हम लोग यहाँ जो है स्ट्रगल कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा है और कुछ मिलने की? सर हम तो मेहनत करते जा रहे हैं, हम सब इससे बस इतना मिल जाए तो जीवन यापन चले, बाकी हमारा संगीत हमारी चाहत है जिसके वजह से है, बस इतना हो कि यहाँ गुजर बसर हो सके जिससे हम अपने संगीत के जरिए लोगों की सेवा कर सकें। तो एक गाना सुनाइए। बस यही कहते हैं ना, किस्मत जिसे देगा मौका यहाँ, मारेगा वो ही तो चौका यहाँ, इंडिया हो या यारो फ्रांस, चाहिए क्या बोलो लक बाय चांस। तो बस यहाँ लक बाय चांस चाहिए लोगों को, किस्मत जिसे मौका देगा वो जरूर चौका मारेगा, यकीन है, और हर इंसान को उसकी मकाम मिल जाए, बड़ा से गुजारिश करें। आपने अभी कहा कि टी सीरीज और यशराज दो ऐसे कंपनीज हैं जो अभी हमारे साथ ऑन बोर्ड नहीं आई हैं और उनसे बातचीत चल रही है, अगर बातचीत नहीं हल हो पाती है देयर आर पॉसिबिलिटी गोइंग लीगल, मतलब कोई चॉइस ही नहीं है, वो जाना ही पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि ये जो नेगोशिएशन है ये बहुत लंबा होगा, ये जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये सब सेंसिबल लोग हैं, वायर एक्स वाले और टी सीरीज वाले, इनको लोग समझा देंगे करेंगे, और मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आप हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा खास के लिए हमेशा
आपने बढ़ाया है? देखिए हम तो यही कह सकते हैं कि अपना जो काम कर रहे हैं संगठन में जो सीओ है ये इसमें काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन होगा तो ही ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। अभी इस पर काम किया जा रहा है, क्योंकि हर पैसा जितना हो सके उतना जमा करें, क्योंकि कि हमारा अभी डिस्ट्रीब्यूशन तो अभी अच्छा होगा जब कलेक्शन अच्छा कलेक्शन अभी अच्छे होने की बहुत गुंजाइश है। ये रिस्पॉन्स तो आपको जाके लेना चाहिए लोगों से, आप उससे ना पूछिए, बल्कि जो लोग वहाँ पर हैं, जो लाइन में लगे हैं, जिन्हें मिलने वाले हैं, जिन्हें मिल रहे हैं, उन सब से बात कीजिए, उनकी फाइट दीजिए। बड़ी कंपनियां भी हैं और बहुत फैक्टर ऐसे हैं कि जो इन सब चीज़ों से मतलब पता नहीं उन लोगों को इनके बारे में, और कंपनियों ने बहुत फ़ायदा भी उठाया जो बॉम्बे से बाहर की भी हैं, तो उनके लिए कुछ है ऐसा कदम? सबसे हमारा वार्तालाप करते हैं, कुछ कंपनियां हैं जो अभी भी IPLS में नहीं है, उससे भी बातचीत हो रही है। इंटरनेशनल कंपनी आप लोगों से बेहतर ये बताएंगे, बताइए कौन कौन ने हमसे कर लिया? सारे गामा है, सोनी म्यूजिक है, यूनिवर्सल है, सोनी अच्छा, और जो हमने लाइसेंस किए हुए हैं तो सबसे बड़े जो जाए सर हम जो आने के बाद सबसे बड़े किया है अमेजॉन म्यूजिक से कर लिया है हमने, कि एप्पल म्यूजिक से बातचीत हो गई है, एग्रीमेंट्स हो गए हैं, यूट्यूब के साथ में बातचीत एडवांस स्टेज पर है, स्पॉटीफाई के साथ में भी म्यूजिक है वो भी कर रहे हैं। तो ये सब धीरे धीरे तरीका है, धीरे धीरे के तब जब हर किसी को डेट में लेके आएंगे रॉयल्टी देना है, लेकिन ऑथर का प्रोजेक्ट का शेयर भी लेजिटिमेट शेयर भी। सर एक और इशू है रिलीजियन का, मतलब जो लैंग्वेज पे राइटर्स जो काम करते हैं जैसे कि भोजपुरी हो गई, साउथ इंडियन हो गई, कश्मीरी हो गई, तो उसके लिए कुछ आपने? बिल्कुल उसका कोई ताल्लुक नहीं, जो भी म्यूजिक बजेगी उसकी उसमें गीत किन भाषा में कर दिया, ये देखो हमने तो फांसी कर रहे हैं।